अनेक लोगों का ये मानना था कि हम हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व की शुरुआत खुद से करें और इसलिए उसी को मद्देनजर रखते हुए आज एक कैबिनेट ने ऑर्डिनेंस का निर्णय लिया जिसके तहत सांसदों की 30% तनख्वाह एक साल भर के लिए कम होगा। सभी सांसद 30% का एक तरह से कट ले रहे हैं, लेकिन वो कानून में करना पड़ता है तो कानून ऑर्डिनेंस के रूप में आज निर्णय हुआ और संसद का सत्र जब होगा तब कानून आएगा, लेकिन इसकी अमल तुरंत शुरू होगा क्योंकि ऑर्डिनेंस आया है तो राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर के बाद वो आएगा। तो सभी एमपीस, ऑल एमपीस और प्रधानमंत्री, स्वयं प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सारे मंत्री और सभी सांसद, इन सब ने अपने वेतन का ही 30% एक साल न लेने का फैसला, एक सामाजिक उत्तरदायित्व जो है देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसकी भावना को बल देते हुए उसके लिए ये निर्णय आज किया। सर्वसम्मति से बहुत अच्छी चर्चा हुई और उसमें सबने बहुत अच्छी तरह से भावनाएं प्रकट की। इसके साथ साथ मुझे खुशी है कि देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी अनेक राज्यों के राज्यपाल और इन सब ने भी स्वेच्छा से अपने तनख्वाह में 30% कटौती करने का लिए पत्र दिए हैं। तो प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद भी एक साल के लिए 30% वेतन कम लेंगे, वैसे ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ये सभी भी 30% स्वेच्छा से, वहां कानून का मुद्दा नहीं है क्योंकि उनके सैलरीज के आने अलग अलग कानून है, उसको ऑर्डिनेंस करना ठीक नहीं होता, तो इसलिए उनकी ही स्वेच्छा से, उनके रिक्वेस्ट पर ये किया जा रहा है। मुझे लगता है लोकतंत्र में लोक प्रतिनिधि का उत्तरदायित्व यह बहुत महत्वपूर्ण होता है और उस उत्तरदायित्व की भावना को बहुत अच्छा बल देने वाला ये निर्णय है और ये पैसा जनरल पूल में जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसमें जाएगा, तो ये भी बताना चाहता हूं। दूसरा एक निर्णय हुआ, आपको मालूम है अनेक सांसदों ने अपने सांसद निधि से कोविड के उपायों के लिए जितना भी काम चल रहा है उसके लिए 1-1 करोड़ रुपए देने की पहल की थी, लेकिन बाद में अनेक सांसदों का ये कहना था कि ये पूरी अगर व्यवस्था करनी है तो इसलिए एमपीलैड को अब दो साल के लिए स्थगित किया जाएगा, यानी 2021 और 21-22, और हर सांसद के जो 2 वर्ष के सांसद निधि है वो 10-10 करोड़ रुपए वो भी देश के कंसोलिडेटेड फंड में जमा होंगे। मुझे लगता है ये दोनों पहल बहुत अहम है क्योंकि इस पहल का मतलब होता है कि खुद से शुरुआत करो और खुद से शुरुआत करने के बाद जो सांसद निधि का भी एक सरकार जिस तरह से लगी है, पूरी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, ये सभी को सरकार के जो सारे प्रयास चल रहे हैं कोविड को हराने के, उसके लिए निश्चित रूप से
ये दोनों निर्णय एक दिशा देने वाले और महत्वपूर्ण साबित होंगे।